अरे गुरु से घात मित्र से चोरी और क्या, ये दो चीजें बहुत खराब होती भैया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे गुरु से घात मित्र से चोरी करियो ना दो काम, सुन रही तुम? बिल्कुल हम तो सुन रहे के गुरु से घात और मित्र से चोरी। और क्या दुनिया में भैया जी दो व्यक्ति छोड़े रहियो, चाय जी के संगे जो छाए करत रहियो। अरे गुरु से घात मित्र से चोरी करियो ना दो काम, भोगो भोत बुरो अंजाम। गुरु से घात मित्र से चोरी करियो ना दो काम, भोगो भोत बुरो अंजाम। बताओ। अरे जो को करे गुरु से घात, और का जो को करे गुरु से घात, अपने जन्म न सावे साथ, जोरत फिर है जग में हाथ, जोरत फिर है जग में हाथ, जोरत फिर है जग में हाथ। देखो गुरु के संग जो घात करे वह कहीं जगह नहीं मिले संसार में, इसे अरे भटकत फिर हो किलपत फिर हो, अरे भटकत फिर हो किलपत फिर हो, मिले नहीं आराम, भोगो भोत बुरो अंजाम। हरी हरे रूठ है गुरु मनावे, और का अगर भगवान रूठ जात तो गुरु उनके लाजे मना ले। ये हरी हरे रूठ है गुरु मनावे, जो को गुरु विमुख हो जावे, कोनो देव काम नहीं आवे, कोनो देव काम नहीं आवे, कोनो देव काम नहीं आवे। भगवान रूठ रहे गुरु प्रसन्न है तो गुरु भगवान का मना ले, अगर गुरु विमुख है तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं मना सकत गुरु के लाने। इसे कहो है अरे चाय जी के शरण डरे रहो बने ना ये कहो काम, अगर गुरु विमुख है तो फिर काम नहीं बनत। सही बात है। अरे चाय जी के शरण डरे रहो बने ना ये कहो काम, भोगो भोत बुरो अंजाम। गुरु से घात मित्र से चोरी करियो ना दो काम, भोगो भोत बुरो अंजाम। गुरु से घात मित्र से चोरी करियो ना दो काम, भोगो भोत बुरो अंजाम। सुदामा खाए चना चोरी से, सुदामा जी ने चोरी से चना खाए थे भगवान कन्हैया के। सही बात है, वो भी मित्र के संग है। सुदामा खाए चना चोरी से, गरीबी के बंध गए टोरी से, गलती केवल जा थोरी से, गलती केवल जा थोरी से, गलती केवल जा थोरी से।
चीज अलग है कि भी चना श्रापित हते, लेकिन चाबी बात सही है कि मित्र से कभू चोरी नहीं करी जाती। देखो आप, और जब भगवान कन्हैया ने पूछो सुदामा जी से कि भैया तुम्हारे यार आवाज आ रही, दांत तुम्हारे किड़किड़ा रहा है, का बात है, कछु खा रहे का? तो सुदामा जी बोले, अरे ठंड के मारे दांत हैं कप रहे मोरे तो घनश्याम। बोले तो काधरो खावे कन्हैया? बोले ठंड के मारे दांत हैं कप रहे हमारे, और चना सो खाई रहते मस्कों। अरे ठंड के मारे दांत हैं कप रहे मोरे तो घनश्याम। गाना के लाने हमने चार अंतरण में ढालो है, थोड़ा सा पतका और रहेगा, तो हम सोच रहे कि जब आधी पहुंच जाए। देखो अब अंतिम लाइन है कि धन्य एकलव्य के जैसो चेला, और क्या, अगर चेला बनने तो एकलव्य के जैसे बनो। जिए गुरु तो ने भगा दो, हम तुम्हें विद्या नहीं सिखा सकत, तो एकलव्य ने कही तुम जरूर विद्या नहीं सिखा रहे, लेकिन हमने तुम्हें अंतर आत्मा से अपने गुरु मान लो, और जब गुरु मान लो तो तुम सिखाओ अन्यथा ना सिखाओ, हम तुम्हारी मूर्ति से विद्या सीख के रहे। वैभव एकलव्य ने मूर्ति बना के रखी, विद्या प्राप्त करी, और एक समय ऐसा आओ कि अर्जुन की लाजे एकलव्य ने हराओ। देखो अब कथन एकलव्य के जैसो चेला, अंगूठा काट के दो बुंदेला, हारे पार्थ समय की बेला, हारे पार्थ समय की बेला, हारे पार्थ समय की बेला। देखो अब इतने गुरु ने चेला के संगे छल करो, लेकिन उको फल एकलव्य खां का मिलो कि अंगूठा कटवे के बाद भी उन्हें अर्जुन खां हरा दो। भली गुरु द्रोण ने सोची कि को अंगूठा मांग लो ताकि जो कहूँ अर्जुन को सामनो नहीं कर पाए, बाण ना चला पाए, लेकिन वो सच्चो गुरु भक्त तो इसे गुरु भी बुराव कर वो चाह रहे थे तो भी एकलव्य को बुराव नहीं हो। देखो आप इसे, अरे विश्व विजेता अर्जुन हारे, वही एकलव्य से, अरे विश्व विजेता अर्जुन हारे जाने जगत तमाम। Yeah.